पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया है। ईडी द्वारा उन्हें 5 दिनों की रिमांड पर लिया गया था। रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा में कोर्ट लाया गया है। ईडी की तरफ से फिर से रिमांड के लिए प्रे किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने फिर से 5 दिनों की रिमांड पर पूछताछ की इजाजत दे दी है। बता दें कि इससे पहले भी ईडी के द्वारा 10 दिनों की रिमांड अवधि मांगी गई थी। हालांकि 5 दिनों का ही समय कोर्ट की तरफ से दिया गया था। इस दौरान हेमंत सोरेन विधानसभा सत्र में भी शामिल हुए थे। ऐसे में एक बार फिर ईडी ने कोर्ट में प्रे किया। अब एक बार फिर ईडी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ होगी और उन्हें पूछताछ के बाद रिमांड अवधि खत्म होने पर फिर से पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं इस पूरे मामले पर झारखंड महाधिवक्ता राजीव रंजन ने क्या कहा है, सुनिए। केस का रिमांड के लिए प्रे किया था, उनको 5 दिन का रिमांड मिला है। हमारे वेहमेंटली ऑब्जेक्शन के बावजूद भी हमने ये कहा कि उनका रिमांड का कोई केस नहीं बनता है, क्योंकि ऑलरेडी वो 8-8 घंटे 20 तारीख और 24 तारीख को हमसे इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं इसी सिलसिले में। और इस 5 दिन के रिमांड में भी 120 घंटे होते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी इस पर इन्वेस्टिगेशन कर लिया। लेकिन आज के उनके पिटीशन में बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हुई हैं जो उस प्रेडिकेट ऑफेंस से कंसर्न नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है उस 8.5 एकड़ जमीन के बारे में। फिर भी वो जो डिफरेंट चैट्स हैं, जो पिछले दूसरे किसी अन्य लोगों के साथ चैट हैं, जो जमीन के कागज़ से कोई संबंध नहीं रखते हैं, उसका हवाला देते हुए उन्होंने फर्दर रिमांड के लिए प्रे किया था, जो हमारा समझना है बिल्कुल ही गलत है और ये रिमांड नहीं होना चाहिए था। लेकिन कोर्ट ने आदेश किया है, हम लोग इस पर देखते हैं। सर, ट्रांसफर पोस्टिंग की बात मामला सामने आया, ट्रांसफर पोस्टिंग का मैटर नहीं है, क्योंकि प्रेडिकेट ऑफेंस जो भानु प्रताप प्रसाद का जो केस है शेड्यूल ऑफेंस का, वो सिर्फ जमीन के कागजात में हेराफेरी के ही संबंधित है, वो ट्रांसफर पोस्टिंग का मैटर नहीं है। इसलिए उसका इन्वेस्टिगेशन ईडी नहीं कर सकता है, ये हम बार बार कह रहे हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर नहीं बनता है। फिर भी रिमांड की आवश्यकता नहीं है, फिर भी उन्होंने जबरदस्ती हमें चाहते हैं कि रिमांड पे रहें, ईडी के कस्टडी में रहें। इलेक्शन समय आप लोगों ने अपनी परेशानी भी बताई कि ईडी कोर्ट में रहने में हमने ये भी कहा कि वो सूर्य की रोशनी नहीं मिलती है, बेसमेंट में रखा गया है, उस कमरे में कोई विंडो नहीं है और पाइप के थ्रू उसमें हवा आता है। इसकी सारी बातें हमने कहा और आर्म गार्ड्स के थ्रू 24 घंटे हमारे पास निगरानी होती है, हमारे सोते समय भी होती है। ये सारी बातों को हमने कोर्ट के समक्ष रखा है। थैंक यू।